अस्सलाम वालेकुम रियाज, कैसे हैं साहब? आज मैं घर के लिए घी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये दिखा दूं। तो ये रात का टाइम है, 10 बजे का। ये इस तरह डब्बों में मलाई जमी हुई है, ये इस तरह निकाल लेते हैं। बस इसी तरह ही जमाते रहें। जब डब्बा में आप बनाने लगते हैं ना, मलाई डालेंगे उस वक्त इन डब्बों में ना दही डाल दें, एक एक दो दो चम्मच दही डाल दें, उसके बाद ये आप मलाई डालने लग जाएं। तो जब ये जमा हो जाए, जब पिछला देसी घी ख़त्म होता है, तो आप आगे से ये नया मलाई निकाल के तो ये अपना जमा लें। तो मैं इंशाल्लाह ये सुबह तक ये नरम हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे देसी घी बनाते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसी तरह ही आपने दही भी नहीं, बस डब्बे में डालना है दही, उसके ऊपर मलाई डालते जाएं। तो जब ये मलाई जमा हो जाए तो ये आप निकाल के इस तरह रख दें रात को, तो सुबह तक ये मेल्ट हो जाएगी। तो फिर मैं सुबह आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। 5 या 10 मिनट लगे हैं, फिर मौसम गर्म है, जरा सर्दियों में टाइम लगता है, लेकिन गर्मियों में ये टाइम नहीं लगता। ये रेगुलर पानी है। ये मैं निकाल लूँ मक्खन, फिर मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये मक्खन बन गया, इसमें जो एक्स्ट्रा लस्सी है वो निकाल देते हैं। इसमें एक दफा फिर पानी डालेंगे। हमारा बेहतरीन मक्खन तैयार हो गया है, बच्चों के लिए खाने के लिए निकालना है, तो ये निकालें इस तरह और इसको एक पानी दो और धो लें। तो इसको आप चूल्हे पर रखेंगे तो इसका घी बनाते हैं। ये बस तेज आंच में जरा इसको गर्म कर लें, ये पिघल जाएगा सारा। फिर ना हल्की आंच, बिल्कुल कैंडल लाइट में। इसको इस हल्की आंच में बस इसे छोड़ दें, तो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पक के तो घी बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये घी बन के तैयार हो गया है, तो अब ये इसमें निकाल लेंगे। ये घी बिल्कुल बन के तैयार हो गया, ये किलो से ज्यादा घी है। तो ये घर में बनाए हैं, मक्खन से टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप आराम से तसल्ली से हल्की आंच पे पड़ा रहने दें, और जो ये पक जाएगा और इसके निशन में आ जाएगा तो आप चूल्हे बंद करके तो ये निकाल लेंगे। आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें।